सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। जीएसटी से अर्थव्यवस्था पर पड़ा अच्छा असर, मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, लोगों से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील। आतंकी फंडिंग केस में अलगाववादी नेताओं के सहयोगी देवेंद्र सिंह बहल के घर छापा, एनआईए को मिले अहम दस्तावेज, पूछताछ के लिए सैयद अली शाह गिलानी के बेटों को समन। ओडिशा में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, झारखंड में 3 की गई जान, पश्चिम बंगाल में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 34। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख आज, आयकर विभाग का समय सीमा बढ़ाने से इनकार, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल। और अमेरिका रूस में बढ़ा तनाव, 755 अमेरिकी राजनयिकों को रूस छोड़ने का आदेश, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा संबंधों में जल्द बदलाव की उम्मीद नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का रविवार को प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मॉनसून, जीएसटी, स्वतंत्रता दिवस, अगस्त क्रांति और महिला क्रिकेट समेत करीब 10 मुद्दों पर बात की। मन की बात कार्यक्रम के 34वें संस्करण का रविवार को प्रसारण किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने मॉनसून का जिक्र करते हुए कहा कि बारिश का मौसम लोगों के लिए लुभावना होता है, लेकिन कभी कभी मुश्किलें भी लाता है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण में आ रही बदलाव को प्राकृतिक आपदाओं की वजह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, लेकिन लोगों को भी इस काम में आगे आना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, व्यापक स्तर पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। जहां हो सके वहां मंत्रिपरिषद के मेरे साथी भी पहुंच रहे हैं। सरकारें भी अपने अपने तरीके से बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। जीएसटी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको लेकर लोगों में उत्साह और जिज्ञासा है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जीएसटी लागू करने से फायदा हुआ है और चीजें सस्ती हुई हैं। जीएसटी, जिसे मैं गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं, सचमुच उसने हमारे अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव और बहुत ही कम समय में उत्पन्न किया है। इतने बड़े विशाल देश में उसको लागू करना और सफलतापूर्वक आगे बढ़ना, ये अपने आप में सफलता की एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि इस साल 15 अगस्त को संकल्प दिवस के रूप में मनाएं और देश में सुधार के लिए संकल्प लें। उन्होंने रक्षाबंधन पर गरीबों की मदद का संकल्प लेने के अलावा इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप के फाइनल तक पहुंचने को बड़ी उपलब्धि बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मन की बात कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक तरफा संवाद में यकीन रखते हैं। पार्टी का कहना है कि अब मन की बात का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार बीते 3 साल से कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को गलत बताया है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात अब लोगों को नहीं भा रही है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को अब बातें छोड़कर जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक अपील किया सभी से कि सभी अपने और छोटे छोटे जो दायरे हैं, जाति के, भाषा के, धर्म के, उन सब से ऊपर आकर भारतीय की तरह बातचीत करें, भारतीय की तरह सोचें। और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की बात जिस तरह से लोगों को प्रभाव करती है, निश्चित ही लोग इस ओर सोचना शुरू करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उधर बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में जनता के मुद्दों का समाधान है,
पार्टी नेताओं ने कहा कि लोगों को इसका फायदा मिलता है। खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्य, माफ कीजिएगा, आप कहते रहिए कुछ भी, लोगों की जेब और लोगों का पेट झूठ नहीं बोलता, उन्हें वो आवाज भी आती है, आपके मन की आवाज से कहीं ज्यादा तेज है वो आवाज। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण के मुद्दे से की। उन्होंने कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता को छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर देश हित में काम करने की जरूरत है। रविंद्र शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी से रुख साफ करने के लिए कहा है। घाटी में बिगड़े हुए हालातों के लिए पार्टी ने बीजेपी और पीडीपी को जिम्मेदार भी ठहराया है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की गठबंधन सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था जिसे घाटी में अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के मामले की जांच में जुटी हुई है। तिरंगे से जुड़ी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे की मांग भी की है। They're leading a lie in BJP in Kashmir and government of India. They need a lot of answering to do. It's their own ally who's showing her exasperation with the situation. So these questions should be put to the BJP. What is it they have to say about this? आतंकी फंडिंग को लेकर NIA की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में जांच एजेंसी ने कल जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर छापेमारी की। जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई उनके मालिकों को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का करीबी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटनाओं के लिए सीमा पार से फंडिंग के मामले की जांच जारी है। छानबीन में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को जांच का दायरा बढ़ाते हुए जम्मू में दो जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने अलगाववादी नेताओं के सहयोगी देवेंद्र सिंह बहल के दफ्तर और घर की तलाशी ली। देवेंद्र सिंह बहल अलगाववादी संगठनों के कानूनी मामले भी देखते हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से पैसे लेकर उसे अलगाववादी नेताओं को पहुंचाने में देवेंद्र की भूमिका संदिग्ध है। छापेमारी के दौरान एनआईए को अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। इस सिलसिले में देवेंद्र से पूछताछ की जा रही है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे नईम को आज एनआईए मुख्यालय तलब किया गया था, लेकिन जांच के घेरे में फंसे नईम की कल अचानक तबीयत बिगड़ गई। कहा जा रहा है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि गिलानी के दूसरे बेटे नसीम को बुधवार को एजेंसी के सामने पेश होना है। इससे पहले एनआईए ने गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह को हाल ही में हिरासत में लिया था। इसके अलावा सात और अलगाववादी नेता भी एनआईए की रिमांड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि ये कोई ऐसा सुधार नहीं था जिसे आसानी से लागू किया जा सके, लेकिन फिर भी लोगों से जीएसटी को भरपूर समर्थन मिला। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने नए टैक्स उपाय को लेकर नहीं झुकने का फैसला किया है। अरुण जेटली ने कहा कि अगर किसी मुद्दे में राष्ट्रहित की बात होगी तो सरकार विपक्ष के सामने जरा भी नहीं हिचकेगी। चेन्नई में जीएसटी से जुड़े कार्यक्रम में बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। What I have learnt in the last few years is that don't blink. Because if you pause, you blink, you go into a reconsideration mold, then those who want to trip you will never allow those reforms to take place. लोकसभा में आज मॉब लिंचिंग की चर्चा होगी। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी की तरफ से शौगत रॉय चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले हफ्ते भी कांग्रेस समेत विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में बहस की थी। राज्यसभा में इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। विपक्ष इस तरह की घटनाओं पर चिंता जता चुका है, साथ ही उसने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। सिंधु जल समझौते के तहत आने वाली दो पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच आज बातचीत होगी। ये बातचीत वॉशिंगटन में विश्व बैंक मुख्यालय में होगी। केंद्रीय जल संसाधन सचिव अमरजीत सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें विदेश मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे।
दोनों देशों के बीच इन दो परियोजनाओं पर इस साल मार्च में पाकिस्तान में स्थायी सिंधु आयोग की बैठक हुई थी। वॉशिंगटन में होने वाली बैठक विश्व बैंक के उन प्रयासों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कल रात जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा से लगने वाली भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई है। भारत की ओर से इसका माकूल जवाब दिया गया। जून में अब तक संघर्ष विराम की 23 घटनाएं हुई हैं। वहीं कल कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। तहाब गांव में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, उसके बाद हुई। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर अभियान शुरू किया गया था। इलाके की घेराबंदी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है हवाओं में। I really enjoyed the film, the performances especially enjoyed them a lot. All the actors have done really really well. काफी फीलिंग आती है इसको, और एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, और मुझे बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी, और सबका काम बहुत अच्छा था, कास्टिंग बहुत अच्छी थी, और बहुत रोंगटे खड़े हो गए थे। चालीस में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की पांचवी पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साड़ी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? सोलह-सत्रह का आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है, और इसमें किसी तरह की ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए 1 जुलाई से आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने आईटीआर में करदाताओं से नोटबंदी के दौरान पिछले साल 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बैंकों में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा कराने की भी जानकारी मांगी है। इसके अलावा विभाग ने आयकर रिटर्न में नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपए के अमान्य घोषित किए जा चुके नोटों के जमा करने की भी जानकारी मांगी है।
केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि अगर उन पर चुनावी खर्च को लेकर साबित हुए तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। रविवार को जुएल ओराम ने कहा कि वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। बीजेडी के आरोपों को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए जुएल ओराम ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ प्राथमिक जांच में साबित हुआ है कि 2014 के चुनाव में उन्होंने फर्जी हलफनामा दर्ज कराया था। दरअसल शनिवार को बीजेडी ने केंद्रीय मंत्री पर चुनाव आयोग के पास फर्जी हलफनामा जमा कराने का आरोप लगाया था। पार्टी का आरोप है कि हलफनामे में चुनाव खर्च को लेकर गड़बड़ी की गई। जुएल ओराम ओडिशा से एकमात्र बीजेपी सांसद हैं। बात मौसम की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में स्थिति सुधरने लगी है, लेकिन कई दूसरे इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में 22 जुलाई से अब तक 17 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम में बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे। देश के कई हिस्से भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ से जान माल की भारी हानि हुई है। भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 4 बजे से पानी बरस रहा है, पूरा डूबा हुआ है, घर के अंदर पानी पूरा भर चुका है, देख रहे हैं आप खुद ही। और क्या किया जाए, ऐसा नाला बनाया कि न जा रहा है इस पर न उस पर जा रहा है, घर के अंदर, सबके घर के अंदर अंदर पानी है। इस बीच राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को बाढ़ की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ के हालात पर काबू पाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मैंने फैसला किया है कि 5 दिन बनासकांठा में मैं रहूंगा, रात भी यहां गुजारूंगा और हमारे सीनियर मिनिस्टर्स वो सब लोग भी जो इफेक्टेड तहसील है उसमें वो कैंप करेंगे। बारिश और बाढ़ का रेल और सड़क परिचालन पर भी बुरा असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां तय समय से देरी से चल रही हैं। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के अलावा स्थानीय प्रशासन भी दिन रात जुटा है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई दूसरे राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा जिलों में कल बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हुए। वहीं जाजपुर में बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसी के चलते अब यह आंकड़ा 7 हो गया है। हालांकि ब्रह्मणी नदी का पानी उतरने से लोगों को कुछ राहत मिली है। झारखंड के 2 जिलों में भी कल बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। उधर पश्चिम बंगाल में पानी कम होने से हालात बेहतर हुए हैं। राज्य में 21 जुलाई से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाओं की वजह से कई रास्ते बंद हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में नर्मदा बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के जिलों में पानी भरने का खतरा है। प्रशासन ने लोगों को 31 जुलाई तक ऐसे इलाकों से निकलने के लिए कहा है। ड्रग्स के खतरे से निपटना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक समस्या है, न कि राजनीतिक। हाल ही में आबकारी अधिकारियों के छापे में हैदराबाद में बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने पर उन्होंने कहा कि इससे शहर की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह वो ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करे। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट के पास 1500 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 3500 करोड़ रुपए है। तटरक्षक पोस्ट समुद्र पावक ने खुफिया सूचना के आधार पर हेरोइन ले जा रहे व्यापारिक जहाज को पकड़ा। अब तक मादक पदार्थों की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई है।
तटरक्षक बल के अलावा सतर्कता ब्यूरो, पुलिस सीमा शुल्क, नौसेना और दूसरी एजेंसियां इस पोत की जांच कर रही हैं। रूस और अमेरिका के संबंधों में तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त कदम उठाया है। पुतिन रूस पर हाल में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में अमेरिका के 755 राजनयिकों को देश से निकल जाने का आदेश जारी किया है। पुतिन ने आदेश दिया है कि सभी राजनयिक तुरंत रूस छोड़ दें। इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने को कहा था। रूस ने राजनयिकों की संख्या घटाकर 455 पर लाने की बात कही थी। अमेरिका में भी रूस के इतने ही राजनयिक कार्यरत हैं। पुतिन ने यह भी साफ किया कि वॉशिंगटन के साथ रूस के संबंधों में जल्द कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में रविवार को हुए एक बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके में मरने वालों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। धमाका व्यस्त मकाल अल मुकरम मार्ग पर हुआ। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। विस्फोट से आसपास की इमारतों और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। वेनेजुएला में रविवार को संविधान सभा के लिए वोट डाले गए। 545 सदस्यों वाले संविधान सभा के लिए 6,500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कई विपक्षी दल इस चुनाव के बहिष्कार का फैसला कर चुके हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस चुनाव के जरिए राष्ट्रपति विपक्ष के बहुमत वाली कांग्रेस को भंग करना चाहते हैं। संविधान के प्रस्ताव के विरोध में पिछले लगभग 4 महीनों से वेनेजुएला के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों में 115 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने उम्मीद जताई है कि चुनाव के बाद देश में शांति कायम हो जाएगी। भूकंप से जुड़ी जानकारियों को आसान बनाने और कम समय में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप भूकंप के केंद्र और इसकी तीव्रता की जानकारी काफी कम समय में मुहैया कराएगा। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। इसे इंडिया क्वेक का नाम दिया गया है, जो 2 मिनट से भी कम समय में भूकंप के केंद्र, समय और उसकी तीव्रता की जानकारी देगा। ऐप को आसानी से कोई भी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकता है। इसमें क्या होगा कि जैसे अर्थक्वेक रिकॉर्ड होगा इन ऑब्जर्वेटरीज पे, हमारे सेंटर में डेटा आएगा और वो अर्थक्वेक लोकेट होगा, वो इस ऐप पे आ जाएगा और जितने भी लोग हैं जिनके पास भी ये ऐप है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र का 84 स्टेशनों का नेटवर्क है। ये स्टेशन वास्तविक समय में डेटा संचार के लिए रीसेट के माध्यम से राष्ट्रीय भूकंप केंद्र से जुड़े हुए हैं। भूकंप आने की स्थिति में राष्ट्रीय भूकंप केंद्र SMS, ईमेल और फैक्स के जरिए भूकंप की जानकारी देता है, लेकिन इंडिया क्वेक ऐप की मदद से इन जानकारियों के प्रसार में होने वाली देरी को कम किया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन को सबको क्यों नहीं देते, बजाय इसके कि एक सिलेक्टेड फ्यू को दें हम लोग, कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, NDMA को या जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दें। ये सारी इंफॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए जितनी भी पब्लिक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस ऐप को लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की, मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की आज 138वीं जयंती है। उनका नाम हिंदी और उर्दू के महान लेखकों में लिया जाता है। कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म आज ही के दिन बनारस के पास लम्ही गाँव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। साहित्य के साथ रिश्ते के मामले में मुंशी प्रेमचंद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। हिंदी साहित्य में उनका लेखन एक विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा है। अपने लेखन के दम पर प्रेमचंद ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। एक सदी बीत जाने के बाद भी उनकी कृतियों ने पाठकों के दिमाग में अपनी छाप बरकरार रखी है। प्रेमचंद की लिखी गई रचना कफन, गबन, गोदान, ईदगाह और नमक का दरोगा आज भी हर किसी को याद है। स्वतंत्रता सेनानी सरदार ऊधम सिंह की आज पुण्यतिथि है। आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने सन 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अपने देश के लोगों की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। 1940 में ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या कर दी। उन पर मुकदमा चला। जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया।
31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन वाले जेल में फांसी दे दी गई। सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी, इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आज उनकी पुण्यतिथि है। मोहम्मद रफी की आवाज उनके गानों की तरह अमर है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर रहा या रंगीन फिल्मों का आगाज, रफी साहब की आवाज का जादू दिन ब दिन बढ़ता ही गया। आइए नजर डालते हैं उनके सफर और बेहतरीन नगमों पर। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी, नन्ही सी उम्र में ही मालूम पड़ गया था कि इनकी आवाज सबका दिल जीतने वाली है। आगे चलकर ये इंडस्ट्री के बड़े गायकों में शुमार हुए। तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। रफी साहब 1944 में मुंबई पहुंचे, लेकिन उनका सफर संघर्ष भरा रहा। यहां उन्हें महान गायक जीएन दुरानी के साथ गाना गाने का मौका मिला। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी। इस बीच उनकी मुलाकात हुई नौशाद साहब से, जिनके साथ रफी साहब ने बतौर कोरस सिंगर काम किया। लेकिन नौशाद साहब को पता था कि एक दिन ये लड़का कमाल करेगा। पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। धीरे धीरे हर बड़े हीरो की आवाज रफी साहब ही बनी, चाहे वो दिलीप कुमार हो या फिर देवानंद। हर बड़ा संगीतकार रफी साहब के साथ काम करना चाहता था। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। रफी साहब ने बड़े बड़े हीरो के अलावा जॉनी वॉकर साहब के लिए खूब गाने गाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उस दिन आसमान भी खूब रोया, जमकर बारिश हुई थी। आज जब भी कभी रफी साहब का ख्याल आता है तो जहन में सबसे पहले यही तराना बजता है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी। सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। और अब आखिर में हेडलाइंस। जीएसटी से अर्थव्यवस्था पर पड़ा अच्छा असर, मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, लोगों से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील। आतंकी फंडिंग केस में अलगाववादी नेताओं के सहयोगी देवेंद्र सिंह बहल के घर छापा, एनआईए को मिले अहम दस्तावेज, पूछताछ के लिए सैयद अली शाह गिलारी के बेटों को समन। ओडिशा में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, झारखंड में 3 की गई जान, पश्चिम बंगाल में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 34। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख आज, आयकर विभाग का समय सीमा बढ़ाने से इनकार, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल। अमेरिका रूस में बढ़ा तनाव, 755 अमेरिकी राजनयिकों को रूस छोड़ने का आदेश, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा संबंधों में जल्द बदलाव की उम्मीद नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आप देख सकते हैं शख्सियत। नमस्कार।